उसकी एक वजह है, वो मैं आप साथ एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट ए और पार्ट बी आप ऑलरेडी अपलोड है, उसमें कोई मसले को आप देख सकते हैं। तो अभी जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 का पार्ट ई है वो 5x-3y = 2 है। इसको हम इक्वल क्या कह देते हैं, 1 कह देते हैं, x + 5y = 6 है, इसको हम इक्वल 2 कह देते हैं। इसी तरह ये वाली इक्वेशन है हमारे पास 1 ये इक्वल 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जो है वो ई है, ए क्लास 8 की मैथ है। और एक चीज है कि ये दोनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ इसलिए लिखा था कि थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा, एक साथ लेके चलूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होंगे हमें डील करना है। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले जैसे कि क्या है कि हम मेथड कौन सा यूज करें, एलिमिनेशन मेथड। अब जब भी आप एलिमिनेशन मेथड को यूज कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि क्या वाई या एक्स में से कोई वेरिएबल सेम है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल सेम नहीं है, या 5 है या 1 है, कुछ भी ना हो तो 1 है, या 3 है या 5 है, ना वाई वाला वेरिएबल सेम है ना एक्स वेरिएबल सेम है। इसमें भी यहाँ पे भी यही चीज है कि ना एक्स वाले वेरिएबल सेम है ना वाई वाले वेरिएबल सेम है। अगर सेम नहीं दी हो तो हमें सेम करने पड़ते हैं। अब देखें अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। अगर इस नीचे वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ऊपर जो इक्वेशन है उसके साथ 5 है, तो इसके साथ दोनों के साथ सेम वेरिएबल बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा, इक्वेशन 2/5। तो ये देखें क्या हो जाएगा, 5x + 5y और 5x = 30। ये मेरे पास कौन सी आ गई, इक्वेशन आ गई 3। अच्छा, आपकी बुक में ये क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है, 5x - 3y - 2 = 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है आपके -2 है, जबकि मैंने उधर जाके इसको प्लस की शक्ल में लिख दिया। इसी तरह 6 भी माइनस है, उसको भी मैंने क्या कर लिया दूसरी तरफ जाके, क्योंकि जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। अब ये दो इक्वेशन अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनमें देखें दोनों में मैंने वेरिएबल क्या कर लिया, सेम कर लिए हैं। एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से दोनों इक्वेशन के वेरिएबल सेम हो गए। अब इसलिए देखें अगर यहाँ पर, क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं था, मैंने सिर्फ एक नंबर से इसी वाले से मल्टीप्लाई किया 5 से, तो सेम हो गए। इस वाले में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यही समझिए कि खाली जगह थी जहां पर 5 ने अपनी जगह बना ली, यहाँ पे खाली जगह नहीं, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 7 है। तो अब हम क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये पूरी ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, और ये ऊपर जो नंबर होता है वो नीचे वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। यानी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1/3 and 2/7। यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 7 21x + 3 3 9y 3 8 24 हो गया, ये कोई 3 आ गई, ठीक है। अब ये देखिए 7 3 21 7 4 28 और 7 14 98, यानी कितना होता है 98, ये कोई कौन सी आ गई 4। अब अगर आप 3 और 4 में देखें तो हमने वेरिएबल क्या कर लिया, सेम कर लिया। जब आप वेरिएबल सेम कर लेते हैं फिर अगला मतलब आता है कि आपने देखना है कि इनके साथ जो साइन कौन सा है। अब इन दोनों में साथ देखें, इधर भी कोई साइन है इधर भी कोई साइन है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्लस के हैं और ये वाले भी दोनों क्या है, इक्वेशन क्या है, प्लस के हैं। जब भी सेम साइन हो तो वहां पर क्या होगा, सबट्रैक्शन होते हैं। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 1 एंड इसमें 1 एंड 3 लिखेंगे, क्योंकि ये दो इक्वेशन में वेरिएबल हमारे पास सेम है, तो इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x - 3y = 2 एंड देन 5x + 25y = 30, ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करने हैं कि साइन क्या कर लेने हैं, चेंज कर लेने हैं। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो माइनस करो, प्लस 5 - 5x से कट जाएगा, 25 और ठीक कितना हो जाएगा, 28 - 28y = 30 में से 2 गए तो 28 बचेगा, 30 बढ़ा है 7 साइन माइनस, माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे तो y = 28। ये इधर मल्टीप्लाई और उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया, कट के बाद y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, पुट इन 1 कर लो, पुट इन 1। अब 1 में पुट करेंगे ये देखो हमारे पास क्या है, 5x - 3, देखिए y है, y की जगह 1 = 2,
तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 5x इज इक्वल टू ये 2 गिफ्ट इधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 तो x इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए दोनों की वैल्यू 1 1 आ गई है। अब मैं क्या करता हूं कि चेक करने के लिए यहां पुट करूंगा, पुट 5x की जगह 1, 3y की जगह 1 is equal to 2, 5 1 5 minus 3 is equal to 2, 2 is equal to 2। तो इस तरह मेरे पास लेफ्ट राइट आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। लेफ्ट राइट इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब है कि जो मेरा क्वेश्चन है वो ठीक है। अगर लेफ्ट राइट इक्वल ना आती तो क्या था, मेरा क्वेश्चन ठीक नहीं था। अब मैं क्या करूंगा, इसी तरह जो मैंने ये किया है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट किया उसमें मैं पार्टी भी इसी तरह करूंगा। पार्टी में मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, इन दोनों को मैं यहीं पर लिख देता हूं। आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4। अब इनको सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है, ये प्लस है माइनस, ये देखिए कट गया, ये दोनों अब प्लस के हो गए, तो कितना हो जाएगा 37 वाई इज इक्वल टू 20 98 में से 24 निकाल लो, यहां कितना बचा 4 और यहां कितना बचा जी 7, ठीक है, तो कितना आ गया जी 74 और साथ साइन क्या लगेगा माइनस का क्योंकि 98 पड़ा, तो y is equal to -74 डिवाइड बाय 37, ये 37 मल्टीप्लाई हो गया तो जाके डिवाइड हो गया 37 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2 14 1 14 1, 1 में पुट कर दो 3x plus 7x plus 3y is equal to 8, y की जगह ये देखिए y था, y की जगह माइनस 2, 7x plus minus minus 3 2 जा 6, ये 2 है ठीक है, ये 2 है is equal to 8, 7x is equal to 8, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, 7x is equal to 14, तो अब x is equal to 14 by 7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 2 आ गई। अब मैंने क्या करना है चेक, पहली वाली इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा x और y की, तो मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 8, 14 में 6 है 8 इज इक्वल टू 8, तो ये देखिए मेरे पास इसका मतलब है ये दो वैल्यू जो है वो ठीक आई है। तो इस तरह पार्ट सी और ई जो है वो मैंने कर ली है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पार्ट डी और एफ करेंगे, इसके पहले जो पार्ट है बाकी के जो रिमेनिंग 4 पार्ट है उनका लेक्चर अपलोड हुआ है, उनमें कोई मसला तो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एक साथ क्यों लिखे क्योंकि इनमें थोड़ी सी फर्क है कि इसलिए कौन क्या फर्क है मैं जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करूँ तो साथ साथ एक्सप्लेन। अच्छा क्वेश्चन में ये जो 13 है ये इस तरफ है, ये माइनस का था, मैं इस तरफ लेके प्लस बना दिए, 20 भी माइनस का था, इस तरफ जाकर प्लस हो गया। इसी तरह अगर वहां देखें तो ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, तो मैंने इस इक्वल को उस तरफ लेके जाके माइनस कर दिया, ये 2 जो था ये माइनस का था, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ, तो मैंने इस 2 को इस तरफ लिख दिया ताकि जो कांस्टेंट नंबर है वो साइड पे हो जाए। अब जो दो वेरिएबल्स हमें दे दिए एक्स और वाई, मेथड क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, खत्म करना चीज को। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो वेरिएबल है, किसी एक को एलिमिनेट करके खत्म करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। अब अगर देखें मेरे पास कि हमने पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये देखना होता है कि इन दो x और दो जो दो वेरिएबल हैं x और y, इन दोनों में हमारे पास कौन सा वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम है। अब जिस 5 जो है ये इस x का कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है, इस तरह ये x वेरिएबल है, 7 x का कोफिशिएंट है, इसी तरह y का ये कोफिशिएंट है और इस y का ये कोफिशिएंट है, ना तो y के वेरिएबल जो y वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट सेम है ना x के सेम है, सेम यही केस यहां पर है, ना x के सेम है ना y के सेम है, अगर सेम नहीं है तो हमें सेम करने पड़ते हैं। कैसे हम करते हैं यहां पे देखें, अब मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, अब मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो जब 2 5 है 10, 2 3 है 6, 13 2 है 26, ये मेरे पास कौन सी आ गई इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है ये x है। अब मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूं, अब इन दोनों में देखें तो अब वेरिएबल जो y है वो सेम हो गए, y वेरिएबल सेम हो गए, इससे सिर्फ ये हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से जो वेरिएबल इक्वेशन 2 में था वो बना दिया हमने इक्वेशन 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर। अब यहां पे ऐसा नहीं है, यानी यहां ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें तो यहां 4 आ जाए, या किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये 13 है, यहां पे भी 13 आ जाए,
तो इस क्वेश्चन में हमें ये करना पड़ेगा कि इसके नीचे वाला जो कोफिशिएंट है ये ऊपर पूरी कोएन से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फोर को इधर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय फोर एंड टू बाय थ्री। अब देखो वन को फोर से मल्टीप्लाई करके फोर थ्री जर ट्वेल्व, फोर फाइव सर ट्वेंटी, फोर एट सर थर्टी टू, ये इक्वेशन आ गई आपके पास थ्री। अब इधर आ जाए थ्री को इससे मल्टीप्लाई करना है तो थ्री फोर सर ट्वेल्व, थ्री थर्टीन सर थर्टी नाइन और थ्री टू सर सिक्स। यहां तक देखिए एक चीज आ, ठीक है। जब फिर टेबल आप सेम कर लेते हैं तो फिर आप देखते हैं कि इनके साथ साइन कौन सा है। अब इसके साथ माइनस है, इसके साथ सॉरी इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, ये तो दोनों वेरिएबल है, इस इक्वेशन टू को इक्वेशन थ्री के जो वाई वेरिएबल है ये दोनों सेम है और साइन भी सेम है। जब साइन सेम हो तो वहां सब्ट्रैक्शन होती है, तो अब हम क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट टू एंड थ्री। अब जो है इसको मैं पहले लिख देता हूँ टेन एक्स माइनस सिक्स वाई, क्योंकि ये बड़ी इक्वेशन है और इसको मैं सेम, अगर आप इसी तरह भी लिखते हैं तब इतना फर्क नहीं पड़ता, साइन ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए ये प्लस है, इसे माइनस, माइनस है प्लस, ये प्लस है इसे माइनस। ये देखिए टेन में से सेवन गया तो थ्री बचा, माइनस ये माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स वाई से कैंसिल हो गया, ट्वेंटी सिक्स में से ट्वेंटी चले गए तो पीछे क्या बचे सिक्स, तो एक्स ये थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा टू, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है टू। अब क्या हो गया पुट इन वन, अब वन में पुट कर देखिए फाइव x की जगह क्या आ जाएगा टू माइनस थ्री y एज इट इज इक्वल टू थर्टी, फाइव टू जन टेन, इसको इधर ले जाओ और इस नंबर को इधर ले, ये थर्टी इधर आके माइनस थर्टी हो जाएगा और ये माइनस थ्री y उधर जाके प्लस थ्री y हो जाएगा, y को इसलिए लेके था y के साथ माइनस का साइन खत्म, थर्टी में से टेन गया तो माइनस थ्री, ये जो प्लस थ्री इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा और दूसरी तरफ सिर्फ y बच जाएगा। ये देखो थ्री वन जर थ्री तो y is equal to क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस वन। ये देखें x और y दोनों की वैल्यू आ गई, अब हम चेक कर लेते हैं फाइव एक्स की जगह क्या है हमारे पास टू है, टू पुट कर दिया माइनस थ्री, थ्री है y की जगह, ये देखो माइनस वन है वो पुट कर दिया और दूसरी तरफ क्या आ गया थर्टी, फाइव टू जर टेन माइनस 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 प्लस थ्री वन जर थ्री इज इक्वल टू थर्टीन, थर्टीन इज इक्वल टू थर्टीन। तो ये देखिए हमारे पास लेफ्ट राइट इक्वल क्या आ गई, इसका मतलब ये दोनों जो हमारे पास आंसर है वो ठीक है। अब इधर आते हैं, अब इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये वाली इक्वेशन फोर है, अब देखें इक्वेशन थ्री और फोर में देखें तो एक्स जो वेरिएबल है वो सेम हो गए और सेम है तो साइन भी इनके साथ क्या है सेम है, साइन भी इनके साथ सेम है, अगर साइन सेम है तो वहां पर क्या होती है सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या रखोगे सब्ट्रैक्ट, मैं डायरेक्ट लिखने लगू आप अगेन इधर यहां लिखोगे सब्ट्रैक्ट थ्री एंड फोर, ठीक है थ्री एंड फोर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि साइन आप चेंज कर देते हो, ठीक है साइन आप चेंज कर देते हो, प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व से कैंसिल हो गया, थर्टी नाइन में से ट्वेंटी गए तो पीछे कितने बचे नाइनटीन बचे, क्योंकि थर्टी नाइन बड़ा है साथ साइन माइनस का लगेगा। अब देखिए ये दोनों क्या है आपस में माइनस के, ये माइनस सिक्स माइनस थर्टी टू माइनस थर्टी एट हो जाएगा, ये वाला माइनस सिक्स माइनस से कैंसिल हो गया वाई इज इक्वल टू थर्टी एट और ये 19 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया 19 का टेबल 38 पे टू टाइम जाता है तो y की वैल्यू 2 आ गई है, पुट इन 1 का भी पुट इन 1 1 में पुट करें ठीक, x इसी तरह प्लस 5 y की जगह 2 इज इक्वल टू माइनस 8, यानी यहां पर y की वैल्यू पुट कर दी 3x प्लस 5 टू 10 इज इक्वल टू माइनस 8, 3x इज इक्वल टू माइनस 8 ये प्लस 10 उधर जाके माइनस 10 हो गया, 3x इज इक्वल टू प्लस टेन उधर जाके माइनस, तो माइनस और माइनस दोनों आपस में दो माइनस के नंबर मिलकर एक नंबर बना लेंगे दैट इज 18, थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया तो थ्री सिक्स आर 18 तो एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स आ गए। अभी देखिए दोनों वैल्यू हमारे पास आ गया, हमने सिंपल इसमें क्या करना है कोई मान में चेक करना है, थ्री एक्स हमारे पास माइनस सिक्स है पुट कर दिया प्लस फाइव वाई की जगह टू पुट कर दिया और दूसरी तरफ माइनस एट, थ्री सिक्स सर हमारे पास 18 हो गया और फाइव टू जर 10 हो गया और माइनस एट, 18 में से 10 गए 18 इज ग्रेटर देन 10 माइनस इज इक्वल टू माइनस 8, लेफ्ट राइट इक्वल आ गई, जिसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई सेम आ गई। तो एक चीज यहाँ पे और कि ये देखिए आप इसे नोट कर, तो ये दोनों माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस होता है, वो मल्टीप्लिकेशन में माइनस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये देखें ये साइन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया,
जबकि ये दोनों माइनस का मतलब है कि दोनों के साथ जब भी सेम साइन हो चाहे प्लस का साइन हो, जैसे यहाँ पर दोनों के साथ सेम साइन था तो वो ऐड हुए, यहाँ पर भी दोनों के साथ साइन था ऐड हुए, प्लस वाले के साथ प्लस लगाते हैं माइनस वाले के साथ माइनस लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके तमाम पार्ट